लो भाई, ये रहे लक्ष्मण जी और उसके बगल में राम जी, उसके बगल में सीता जी और उसके बगल में हनुमान जी और उसके मतलब खड़ा होकर जो बात कर रहे हैं वो शिव जी का है, मतलब रोल प्ले की कर रहे हैं। आप देखिए पास से देख सकते हैं, एकदम साफ साफ दिखेगा। ये जो खड़े हैं वो शिव जी का रोल प्ले करेंगे और ठीक बगल में जो पुतला बना हुआ है आप इधर से देखिए, ये रहे लंकापति रावण और उसके भाई कुंभकर्ण और पुत्र मेघनाद के पुतले बने हुए हैं और तीनों जलाए जाएंगे एक के बाद एक। और ये कार्यक्रम 6 बजे से लेकर 6:30 के बीच में होने वाला है और अतिथि के रूप में आएंगे और चौधरी जी। अब देखिए ये पीछे देख सकते हैं, भीड़ देख सकते हैं, कितने लोग, सब दूर दूर से लोग आते हैं रावण दहन देखने के लिए और बहुत टाइम से बैठे हुए ये लोग, लगभग 4 बजे से लेकर और मतलब जितना बजे तक होगा उतना बजे तक बैठेगा लोग। ये प्रोग्राम आप देख सकते हैं, यहाँ डांडिया हो रही है तो ये इंजॉय करते हैं डांडिया को। लोगों का उत्साह देखिए, भीड़ देखिए, कितने खुशी और हर्षोल्लास के साथ लोग भीड़ लगाए बैठे हुए हैं देखने के लिए और ये काफ़ी टाइम से बैठे हुए हैं। अब इधर भी पूरा भर गया, देखिए प्रशासन भी है, मतलब हर तरह का इंतज़ाम किया गया, मतलब पहली बार मैं देख रहा हूँ लेकिन बहुत ही अद्भुत इंतज़ाम किया गया PMH हाई स्कूल में। अब रात हो गया, रात का नज़ारा देखिए और फील्ड पूरा खचाखच भर गया है, पूरे पब्लिक से पूरा ग्राउंड भर चुका है और सब लोग उल्लास के साथ देख रहे हैं। देखिए ये रहे राम जी, लक्ष्मण जी और हनुमान जी, सीता जी को लेकर आ रहे हैं लंका में आग लगाकर और इसके बाद रावण का जो भी 3 पुतले रखे गए हैं उनका भी कार्यक्रम किया जाएगा, इनको भी दहन किया जाएगा। उसके बाद यहाँ से प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा, दहन करने के बाद लोग धीरे धीरे अपने घर की तरफ निकल जाएंगे। तो देख सकते हैं सब कोई अपना अपना मतलब प्रोत्साहित होकर वीडियो रिकॉर्ड करने लगे हैं। देख सकते हैं देखिए आग लग चुका है, मेरे हाथ से बाइक की तरफ देख रहे हैं। मेरे सोनू की लंका है, मुझसे बलशाली कोई नहीं, मुझसे शक्तिशाली कोई नहीं। आप बैठे रहिए, वहीं से देखते रहिए। मोबाइल अपनी लाइट जलाकर और लक्का दहन को आरती हो रही है प्रभु राम की। और हमारे इस समिति के जो अध्यक्ष हैं, जिनके अथक परिश्रम प्रयास से ये कार्यक्रम सफल हुआ है, जिसमें प्रशासन का महत्वपूर्ण दल है और प्रशासन के लोग बिल्कुल डेडिकेशन की भावना से, डिवोशन की भावना से, समर्पण की भावना से पूरे मनोयोग के साथ सहयोग कर रहे हैं। प्रशासन को बहुत बहुत धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद। मैं देख रहा हूँ प्रशासन के लोग बिल्कुल तैनात है, तत्पर है। प्रशासन को धन्यवाद और साथ साथ यहाँ की जनता जिनका काफ़ी सहयोग मिला है, जिन लोगों ने पूरी संजीदगी के पूरे मनोयोग के साथ इस कार्यक्रम को सफल बनाने में हम लोगों की मदद की है। सबसे पहले मेघनाद जो वो बड़ा बेटा था और बड़ा मायावी था, आप सभी बैठे रहेंगे अपनी जगह पर। मेघनाद का स्वागत किया जाएगा। मेघनाद का वो पुतला दहन हो रहा है। मेघनाद को लक्ष्मण ने मारा था, इसलिए कि मेघनाद के ये शर्त थी कि जो 14 वर्ष तक एक नाथ नहीं बड़ा था, वो शक्तिमान संजीवनी बूटी से लक्ष्मण ठीक हुए थे। मेघनाथ के पास रावण को ये पता चलेगा कि मेरा बड़ा बेटा वो युद्ध में मारा गया। उसके बाद फिर वो कुंभकर्ण है, कुंभकर्ण भी बड़ा बलशाली था। जब वो चलता था बंधुओं से थोड़ा सा पीछे हटके बनाइए आप। मेघनाद का पुतला दहन हुआ। अब इसके पश्चात फिर वो कुंभकर्ण वो रावण का भाई है। कुंभकर्ण वैसे सीता जी जब लेप कर लाता है तो कुंभकर्ण ने और जोर से चिल्लाइए जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। वो प्रभु राम कुंभकर्ण की ओर बढ़ रहे हैं, इसलिए कि सबों ने वो बात किया था किसको मौत के घाट कौन उतारती है। इसलिए कुंभकर्ण प्रभु राम के साथ था और रावण भी प्रभु राम के साथ। राम आगे बढ़े हुए हैं और फिर अपना ध्यान रखना। राम वहाँ वो आग लगा करके लौट रहे हैं। दूसरा नंबर है कुंभकर्ण का। कुंभकर्ण बड़ा ही बलशाली, थोड़ा सा पीछे हट जाइएगा, थोड़ा सा पीछे हट जाइएगा। सोता और एक चीज रखता था उसके घोड़े। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। ये मेघनाद कुंभकर्ण का ये अभी आपने देखा मेघनाद जो रावण का बड़ा लड़का था उसका पुतला दहन हुआ। अब कुंभकर्ण जो रावण का भाई है वो भी जल के राख हो गया, उसका अहंकार जल गया, उसकी सारी शक्तियां नष्ट हो गई। लो भाई, ये रहा केदारनाथ मंदिर जो हमारे सिवान में हॉस्पिटल मोड़ है, बस स्टैंड पकड़ी मोड़ के पास, वहीं पर बनाया गया है। बहुत ही अद्भुत नज़ारा है। आपको पास जा रहा हूँ और आपको केदारनाथ के मंदिर का जो भव्य पंडाल बना हुआ उसका दर्शन भी कराऊंगा, जो प्रतिमाएँ रखी गई उसके भी दर्शन कराऊंगा। और आप देख सकते हैं, यहाँ से दर्शन कर सकते हैं। और जो लोग यहाँ नहीं है उनके लिए बहुत अच्छा मौका है। और आप देख सकते हैं, देखिए बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही अद्भुत। और लीजिए अच्छे से दर्शन कर लीजिए। अगर आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट कर लें।